What is up guys, assalamu alaikum, this is me Hamza and you are watching the Hamza Malik Show YouTube channel. और आज मैं आया था शाहीन मोटर्स और आज हम रिव्यू करेंगे द न्यूली इम्पोर्टेड सुजुकी स्विफ्ट 2017 मॉडल और लेट्स टेक अ लुक ऑफ इट्स एक्सटीरियर इंटीरियर बूट स्पेस एंड अंडर द हुड इंजन स्पेक्स एंड द स्टार्टअप एंड ऑल यू नीड टू नो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन ऑन द सेक्शन बिलो प्रोवाइडिंग मी योर फीडबैक व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग कार लेट्स गो लेट्स टेक अ लुक ऑफ इट्स एक्सटीरियर. Coming to the front, we have these projector setup. और गाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स साथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स. नीचे बात करें तो हमें फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं. गाड़ी में पियानो ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल आती है क्रोम्ड सुजुकी लोगो विद these chrome treatments which looks very amazing and gives the car a very cohesive look. गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन गाड़ी में 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन आता है जो कि बहुत अच्छी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इट इज़ द RS मॉडल और ये 2016 की मैन्युफैक्चर है 2017 मॉडल और 2018 की फ्रेश इम्पोर्ट. Special thanks to Shaheen Motors for making this review possible. Let's move around. Tires की बात करें तो टायर साइज है 185/55 R16, 16 इंच के अलॉय रिम्स विद फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स और इम्पोर्टेड ब्रिजस्टोन के टायर्स आते हैं. बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स विद LED साइड इंडिकेटर्स सन वाइजर्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं. बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम एंड लिटिल बिट कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट ओवर हेयर. गाड़ी में नीचे साइड स्कर्ट्स भी दी गई हैं. ये गाड़ी की ओवरऑल साइड लुक है. अगेन स्पेशल थैंक्स टू शाहीन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल. और अगर बैक साइड और डोर की बात करें तो एक बहुत स्पोर्टी टच दिया गया है गाड़ी में. बैक डोर ओपन करने के लिए उसका हैंडल यहाँ नहीं की बजाय बल्कि यहाँ ऊपर दिया गया है. इट ओपन्स लाइक दिस. रियर डिस्क ब्रेक्स. गाड़ी में मल्टी स्पोक्स अलॉय रिम्स आते हैं विच लुक्स वेरी अमेजिंग एंड गिव्स द कार अ वेरी कोहेसिव लुक. बैक की बात करें तो बैक को भी बहुत अच्छा स्पोर्टी टच दिया गया है. सुजुकी ने इस गाड़ी पे बहुत काम किया है और गिव्स दिस कार अ वेरी अमेजिंग एंड कोहेसिव लुक. ऊपर एंटीना दिया गया है.
high mounted brake lamp with spoiler. गाड़ी में पीछे रियर व्यू रियर स्क्रीन वाइपर विद वॉशर. लाइट्स की बात करें तो LED टेल लाइट्स विच लुक्स अ वेरी अमेजिंग, और गाड़ी के पिछले फेंडर तक एक्सटेंड होती हैं ये लाइट्स. गाड़ी में 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है. सुजुकी क्रोम लोगो. ये स्विफ्ट का RS वेरिएंट है जो कि आई थिंक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, आई एम नॉट श्योर. नीचे बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोम मोल्डिंग्स दी गई हैं विच लुक्स वेरी अमेजिंग, वेरी अट्रैक्टिव. गाड़ी पे नीचे भी हमें लाइट मिल जाती है. बूट स्पेस की बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर. गाड़ी में एज एन हैचबैक तो बहुत अच्छी बूट स्पेस दी गई है विद बूट लैंप विच इज सिचुएटेड राइट देयर. शॉपिंग बैग होल्ड करने के लिए ये यहाँ पे स्पेस दी गई है. बूट सेपरेटर दिया गया है और अगर नीचे इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स तो नहीं लेकिन स्टील रिम में व्हील्स मिलेंगे, स्पेयर व्हील. गाड़ी में एक बहुत अच्छी और डिसेंट टाइप की बूट स्पेस दी गई है. ये थी गाड़ी की बूट स्पेस. गाड़ी के इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं. बात करें तो हमें यहाँ पे स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है. बात करें ड्राइवर साइड डोर की तो ड्राइवर साइड डोर में साइड व्यू मिरर्स कंट्रोल विद ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड CLS. ड्राइवर साइड विंडो जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है और बाकी की नॉन ऑटोमेटिक. क्रोम कह लें या ग्रीन ग्रेश टाइप मोल्डिंग्स यहाँ दी गई हैं. फैब्रिक यूज़ किया गया है. बोटल स्टोरेज स्पेस दी गई है जहाँ पे आप अपनी बुक्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं. स्पीकर. सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स हैं और इट्स लाइक बकेट टाइप सीट्स. हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट एडजस्टमेंट. नीचे फ्यूल लिड ओपनर. बात करें फीचर्स की तो पुश स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और नीचे यहाँ पे हमें बोनेट ओपनर. इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ये 3-spoke स्टीयरिंग व्हील और नीचे से फ्लैट है विद SRS एयरबैग फॉर द फ्रंट ड्राइवर एज वेल एज फॉर द फ्रंट पैसेंजर. क्रोम ट्रीटमेंट्स बहुत खूबसूरत दिए गए हैं, लेदर स्टिचिंग, और जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि हैचबैक गाड़ी में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है. और अगर बात करें हैजर्ड लाइट बटन और साथ सर्कुलर एयर वेंट्स दिए गए हैं विच लुक्स वेरी अमेजिंग, वेरी कूल. और सेंटर में गाड़ी में 7-inch की TFT दी गई है विद रिवर्स कैमरा. यहाँ पे भी इंटीरियर में हमें ग्रेश टाइप की ट्रीटमेंट मिल जाते हैं मोल्डिंग्स. ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड. पैसेंजर साइड पे भी हमें वही पावर विंडो, बोटल स्टोरेज स्पेस. ऊपर अगर आए तो ऊपर वैनिटी मिरर्स सन वाइजर्स में. लाइट्स की बात करें तो LED लाइट्स. गाड़ी में रियर व्यू मिरर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है. यहाँ पे भी हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है.
गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। नीचे बात करें तो गाड़ी में 12 वोल्ट पावर आउटलेट और क्लाइमेट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक, और अगर बात करें तो गाड़ी में क्लैरियन का हेड यूनिट आता है विच इज़ 7 इंच की TFT टच स्क्रीन है, और स्टेयरिंग पे वॉइस कमांड और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आती हैं। हैंड ब्रेक और हैंड ब्रेक के नीचे स्पेस दी गई है टू कीप स्टफ लाइक मोबाइल। फ्रंट पे टू डुअल ग्लास होल्डर और थोड़ी स्पेस दी गई है, और सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। यू कैन कीप स्टफ लाइक मोबाइल एंड अदर थिंग्स। गाड़ी की राइट सीट हीटेड है, तो नीचे ब्रेक पैडल और गैस पैडल विद डेड पैडल भी दिया गया है। 3-spoke स्टेयरिंग व्हील विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। You can control it like there. गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आता है। Let's quickly start the car. Here is the key. इमोबिलाइजर की पुश स्टार्ट के साथ सिंपल लॉक अनलॉक। जस्ट पुट द ब्रेक पैडल एंड प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द कार। ये गाड़ी का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, यू कैन चेक इट लाइक दिस। गाड़ी में यहाँ पे RPM मीटर, सेंटर में 4.5 इंच की डिस्प्ले दिया गया है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और यहाँ पे गाड़ी का स्पीडोमीटर है, एक्चुअल स्पीडोमीटर विद फ्यूल गेज। ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है जो कि आपको दे रहा है एवरेज स्पीड और फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी कितना चल चुकी है, और डेट, और साथ हमें क्लॉक दी गई है। लेट्स चेक द इंजन, लेट्स चेक द क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो गाड़ी की थ्रो बहुत अच्छी है, यू कैन चेक इट लाइक दिस। आप हवा की आवाज़ भी सुन सकते हैं, और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और ऑटोमेटिक भी है। ये गाड़ी की थ्रो है, एसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की, और तो ये था गाड़ी का इंटीरियर। सो लेट्स क्विकली ऑफ द कार, हियर इट इज। तो अगर फ्रंट पे लेग रूम की बात करें तो लेग रूम तो कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। अगर हेड रूम की बात करें तो हेड रूम आप देख सकते हैं, इट्स एन लाइक टॉल बॉय कार, तो काफ़ी अच्छा हेड रूम भी ये दिया गया है गाड़ी में। और अगेन स्पेशल थैंक्स टू शाहीन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। आई एम वेरी क्यूरियस टू मेक दिस द वीडियो ऑन दिस कार। चलते हैं गाड़ी की बैक साइड पे और देखते हैं गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। और ये एक बहुत यूनिक और स्पोर्टी टच दिया गया है सुजुकी की तरफ से, कि सुजुकी ने बैक पे जो डोर हैंडल है वो यहाँ की बजाय यहाँ ऊपर सिचुएटेड है, जो कि काफ़ी अच्छी और स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। बैक पे रेड सीट्स की बात करें और डोर की बात करें तो पावर विंडो, साथ प्लास्टिक यूज़ किया गया है, स्टोरेज स्पेस, बॉटल स्टोरेज स्पेस, स्पीकर। रेड सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स हैं विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। लेट्स चेक द, बात करें तो अगर लेग रूम की बात करें तो लेग रूम तो सफिशिएंट है, स्कूप्ड आउट रेयर सीट्स टू इंक्रीज द नी रूम। और आई एम 5'10" और मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ,
अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। सेंटर में एक बहुत बड़ा सा हम्प दिया गया है जिसे ट्रांसमिशन टनल कहते हैं, तो उसकी वजह से थर्ड पर्सन थोड़ी मुश्किल में आ सकता है, बट कॉम्प्रोमाइज़ होके वो चीज़ भी हट सकती है। और यहाँ पे पीछे एस्ट्रे टाइप चीज़ दी गई है, रियर में पीछे हमें सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं जी। अगर अब बात करें कि रियर सीट्स पे कितना हमें हेडरूम दिया गया, तो आई एम 5'10" और आप देख सकते हैं कि बहुत कंसिडरेबली बहुत अच्छा हेडरूम दिया गया है। अगेन स्पेशल थैंक्स टू शाहीन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहें तो नीचे आप यहाँ पे कहीं नंबर पढ़ सकते हैं, यू कैन कॉल देयर और आप इनसे इसकी और इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। इट्स एन 2016 मैन्युफैक्चर्ड, 2017 मॉडल है और 2018 की फ्रेश इंपोर्ट है और डिमांड है 21,50,000 रुपीज़। अगर बात करें, क्योंकि गाड़ी अभी पाकिस्तान में लॉन्च ऑफिशियली सुजुकी ने लॉन्च नहीं की, तो इट इज़ एन इम्पोर्टेड वेरिएंट और दिस कार इज़ अ लीग ऑफ इट्स ऑन। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सेगमेंट में इस जैसी और कोई गाड़ी पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है जी। तो ये था आज का रिव्यू सुजुकी स्विफ्ट 2017 मॉडल पे, जो कि इम्पोर्टेड है और जो पाकिस्तान में अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई, लेकिन मैं आपको अभी पहले से ही दिखा रहा हूँ। और अगेन स्पेशल थैंक्स टू शाहीन मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। और अगर आप इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को बाय करने में, तो यहाँ पे नीचे कहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा इनका, यू कैन कॉल। नहीं, जो डिमांड है गाड़ी की वो है 21,50,000 रुपीज़। और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो प्रोवाइडिंग मी योर फीडबैक व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग कार एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।